ये कार मेरे हाथ से भी छोटी है। आज हम बनाएंगे एक स्मॉल स्केल आरसी कार। हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल एंड आई लव मेकिंग प्रोजेक्ट्स। इस कार का बेस बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हार्डबोर्ड शीट का। इसका डायमेंशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल पीस ले लिया है एंड इसे हमें थोड़ा सा कट करना है। वो क्यों आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो बेस को कट करके मैंने कुछ ऐसा शेप दे दिया है। इस कार में हम दो सर्वो मोटर्स का यूज करने वाले हैं। एक कार को लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए, दूसरी कार को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करने के लिए। ये सर्वो मोटर्स मैंने इलेक्ट्रो स्टोर से खरीदी है। वैसे तो मैंने बहुत सारा सामान खरीदा हुआ है बट आपको अभी नहीं दिखाऊंगा। नो, क्वालिटी कॉम्पोनेंट्स लो कॉस्ट में चाहिए। देन डॉक्टर्स का सुझाया हुआ और माँ का नंबर वन भरोसा। जस्ट जोकिंग। इलेक्ट्रो स्टोर क्वालिटी कंपोनेंट्स खरीदने के लिए 100% ट्रस्टेड वेबसाइट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जाके उनके रिव्यूज देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। electrostoreshop.com से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। फ्री डिलीवरी अबाउट 1499। अगर आपको वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता सो डोंट वरी, आप इलेक्ट्रो स्टोर के ऑफिशियल व्हाट्सएप स्टोर से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बल्क ऑर्डर्स के लिए भी आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। विजिट electrostoreshop.com। तो सर्वो मोटर कुछ इस तरह के बैग में आती है। चलिए इसे बाहर निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आई है मोटर एंड इसके अंदर एक और बैग है। चलिए इसे निकालते हैं। इसके अंदर है कुछ अटैचमेंट्स जो हम सर्वो मोटर के शाफ्ट के ऊपर लगा सकते हैं एंड कुछ स्क्रूज। ये 180 डिग्री सर्वो मोटर है। मेरे पास 360 डिग्री सर्वो मोटर थी पर वो खराब हो गई, तो मैं इसी को मॉडिफाई करके 360 डिग्री सर्वो मोटर में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। इस पोटेंशियोमीटर की मदद से सर्वो मोटर स्पेसिफिक एंगल पे रुक पाती है, बट हम इसे मोड़ देंगे ताकि सर्वो मोटर 360 डिग्री घूम सके। एंड पोटेंशियोमीटर को मैंने अभी जीरो वैल्यू पे सेट किया है, नहीं तो हमारी मोटर घूमती ही रहेगी। एंड इसके गियर्स में भी एक स्टॉपर आता है जो मैंने कट कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो चलिए इस मोटर को हम फिर से फिक्स कर लेते हैं। अब ये सर्वो मोटर दोनों डायरेक्शन में 360 डिग्री घूम सकती है। इसका यूज करके हम रियर एक्सल बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक गियर एंड स्क्रू ले लिया है। स्क्रू की मदद से इस गियर को हम सर्वो मोटर की शाफ्ट के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे। अब हम लेंगे एक खाली पेन की खाली रिफिल और इसमें से हमें एक छोटा सा पीस कट करना है। अब हम लेंगे एक एक्सल जिसके ऊपर मैंने गियर एंड व्हील लगा कर रखा है। इस रिफिल को हम लगा देंगे इस एक्सल के ऊपर। देन दूसरे व्हील को हम लगा देंगे एक्सल की दूसरी साइड में और ये रेडी है हमारा रियर एक्सल। इसे अब हम लगाएंगे सर्वो मोटर के ऊपर, पर ये चिपकेगा नहीं तो हमें इस स्टिकर को निकालना पड़ेगा। इस स्टिकर को निकालने के बाद ये इजीली यहाँ पर चिपक जाएगा। लगाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सुपर ग्लू का। अगर यहाँ पर मैं मोटर माउंट बनाता तो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम हो जाती। नाउ आप देख सकते हैं रियर एक्सल काफी अच्छे से काम कर रही है। फ्रंट एक्सल बनाने के लिए मैंने दो व्हील एक्सल एंड रिफिल को साथ में लगा दिया है। अब हम इस अटैचमेंट को सर्वो मोटर के ऊपर लगाएंगे। नाउ मैं यहाँ पर हॉट ग्लू का यूज कर रहा हूँ फ्रंट एक्सल को यहाँ पर चिपकाने के लिए। इसे हम जेंटली यहाँ पर रख के चिपका देंगे एंड हॉट ग्लू को ठंडा होने के थोड़े लिए टाइम देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। हमने जो चेसिस बेस कट किया था उसके ऊपर मैं एक और हार्डबोर्ड का पीस लगा रहा हूँ ताकि फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील एक लेवल पर लगे रहे। नाउ हम इसकी एज के ऊपर सुपर ग्लू लगाएंगे ताकि ये अच्छे से हार्ड हो जाए। उसके बाद ये बेस काफी मजबूत हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एजेस पर सुपर ग्लू लगाने के बाद अब इसके कॉर्नर्स बैंड नहीं होंगे। अब यहाँ पर हम सर्वो मोटर को रख के होल करने के लिए मार्किंग कर देंगे। ड्रिल मशीन का यूज करके मैं होल बना रहा हूँ। होल्स बन गए हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैं हॉट ग्लू का यूज कर रहा हूँ रियर एक्सल को चिपकाने के लिए। आप डबल साइडेड टेप का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो। तो रियर एक्सल अच्छे से चिपक गई है। अब हम लेंगे फ्रंट एक्सल की सर्वो मोटर को एंड स्क्रू की मदद से इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे। अब
कार का फ्रंट लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने मोबाइल बैटरी का यूज किया है एंड इसे चार्ज करने के लिए टाइप सी चार्जिंग मॉड्यूल का भी यूज किया है। इसके आउटपुट वायर्स में मैंने एक स्विच लगा दिया है ताकि हम कार को ऑन एंड ऑफ कर सके। हॉट ग्लू की मदद से हम इस बैटरी को कार के नीचे की साइड में चिपकाएंगे एंड चार्जिंग मॉड्यूल को भी हम बैटरी के ऊपर ही लगा देंगे। देन बाकी बची हुई जगह पर हम लगा देंगे इस ऑन ऑफ स्विच को ताकि हम कार को इजीली ऑन ऑफ कर सके। इस कार को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ FSIA-6B रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है फ्लाई स्काई FSI-6। रिसीवर को हम कार के ऊपर की साइड में लगाएंगे। नाउ सर्वो मोटर्स के वायर काफी लंबे थे तो मैंने इन्हें छोटा करके कार के नीचे की साइड में लगा दिया है। फ्रंट एक्सल को फर्स्ट चैनल में एंड रियर एक्सल को मैंने सेकंड चैनल में लगाया है। बैटरी के जो आउटपुट वायर है हम उसे भी रिसीवर के साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्शंस कंप्लीट हो गया है। स्विच ऑन करते ही ये रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब हमारी कार रेडी है। बट एक छोटा सा काम बाकी है, ये जो दो इसकी चोटियां है हमें इसे ऊपर की साइड में लगाना पड़ेगा। ये इस रिसीवर के एंटीनाज है बाय द वे। तो कार अच्छे से बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट हो रही है, तो चलिए अब इस कार को हम टेबल से नीचे ले जाते हैं। टेबल से नीचे उतरते ही हमारे सामने यहाँ पर एक चैलेंज आ गया है। यहाँ पर मैंने इसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है जो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। यहाँ से इस कार को जाना है, टर्न लेना है, फर्स्ट चेक पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे हमें दूसरे चेक पॉइंट पे जाना है। देन इस जलेबी के अंदर घूमते 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 हमें इसके सेंटर में पहुँचना है तो हम ये गेम जीत जाएंगे। क्या लगता है ये कार जलेबी के बीच में जा पाएगी? अगर ये कार जलेबी के सेंटर में पहुँच गई तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। लेट्स गो। तो फर्स्ट चेक पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड चेक पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड चेक पॉइंट पर हमारी कार पहुंच चुकी है, बस एक और चेक पॉइंट पर पहुंचते ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उप्स, यहाँ पर हमारी कार थोड़ी सी टकरा गई तो हमें इसे फिर से प्रीवियस चेक पॉइंट पर रखना पड़ेगा। चलिए फिर से अब हम तीसरे चेक पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इस बार मैं कार को एकदम धीरे धीरे ले जाऊंगा ताकि इस बार ये कहीं पे भी टकराए ना। तो मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पर मुझे मिला है इलेक्ट्रो स्टोर क्वालिटी कंपोनेंट्स एट लो कॉस्ट। पिछले वीडियो में मैंने गियर मोटर गिव अवे रखा था जिसके विनर है इट्स समर। फीचर गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। एंड आपको ये कार कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट्स। फ्यूचर में मैं इससे भी छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड रिमेम्बर क्वालिटी कंपोनेंट्स एट लो कॉस्ट मतलब इलेक्ट्रो स्टोर। बी क्रिएटिव। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।